यूपी के गाजीपुर के सेवराई गहमर थाना क्षेत्र के विभिन्न गंगा घाटों पर जल प्रवाह किए सैकड़ों शव किनारों पर लगे होने के कारण दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा गंगा में जल प्रवाह पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके लोगों द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान हुई मौतें एवं सामान्य निधन में भी जल प्रवाह कर गंगा को दूषित किया जा रहा है। गहमर की नरवा घाट, सोजवा गंगा घाट और बुलाकी दास बाबा की मठिया घाट के पास तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में 100 से अधिक शव किनारे पर लगी हुई मिली। अधिकतर शव 2-4 दिन पूर्व से ही लगी हुई हैं। गंगा घाटों पर किनारों पर शव लगे होने के कारण आसपास के लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। दुर्गंध से लोगों में भी संक्रमण फैलने का अंदेशा और भी बढ़ गया है। कल शाम को जिलाधिकारी ने गंगा में शवों के मिलने की बात कही और बताया कि उन्होंने जांच टीम मौके पर भेजी है। ये बॉडी कहाँ की है और कितनी है? अखंड जी, आपके गांव नरवा गंगा घाट से लगा है, कई घाटों पे बहुतायत मात्रा में शव को देखने के मिले हैं, क्या कुछ कहा है? इसकी जानकारी प्रशासन को पहले दे दी गई थी कि यहाँ पर लकड़ी के अभाव में और जो है लकड़ी के अभाव में यहाँ पर जो है जल प्रवाह किया जा रहा है, जिसमें गहमर, करहिया, खुदरा, बिहार के सीमावर्ती इलाके, पचौरी, सायर, ये लगभग 12-13 गांव के जल प्रवाह यहाँ पर हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में शवों के कारण उठ रहे दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है? प्रशासनिक अमला कान में तेल डाल के बैठा, अभी तो जीना मुहाल हुआ, अभी तो दुर्गंध आ रही है, आने वाले भविष्य में यदि इसको नहीं रोका गया तो यहाँ पर महामारी फैल जाएगी। कोरोना गाइडलाइन के तहत जो है संक्रमण को देखते हुए यहाँ पे क्या कुछ उपाय किए गए? कोई उपाय नहीं किया गया है, न प्रशासन की तरफ से, न स्थानीय स्तर के स्थानीय प्रशासन, न विधायक, कहीं से कोई नहीं है। व्यवस्था जो है अपने मनमानी है। सत्येंद्र कुमार सिंह गामर। सत्येंद्र जी, आपकी गामर नरवा गंगा घाट से लगाए थे, घाटों पे जो है बहुत अहत मात्रा में शव देखने को मिले हैं, जो जल प्रवाह किए हुए लग रहे हैं और बहुत सड़ान रखे से दुर्गंध की स्थिति बनी हुई, क्या कहना चाहेंगे? अरे उसको अगर जल प्रवाह जो किया गया है उससे कोरोना फैलने की भी संभावना व्यक्त किया जा रहा है। आपके प्रशासनिक अमला या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि इस बारे में क्या कर रहे हैं और क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? और प्रशासनिक अमला जो है कि नहीं है, अभी ऊपर से आदेश आया है शासन से, उसके हिसाब से अब जल प्रवाह नहीं हुआ है, जो हुआ है उसको नदी में बहाया जाए। की स्थिति है, बहुत सारी बीतबागियां गंगा जी में ऐसे उतराए हुए मिली है, लगभग बताया जा रहा है कि 100-150 के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में देखी जा रही है। सूचना हमें थोड़ी देर पहले मिली है, हमारे अधिकारीगण मौके पर इस समय है, जांच चल रही है, हम ये चेक करा रहे हैं कि ये बॉडी कहाँ से आई है, कैसी है तो कहाँ है और कितनी संख्या में, हमारे अधिकारी मौके पर चेक कर रहे हैं, हम थोड़े समय बाद आपको अपडेट देंगे। थैंक यू। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।